ऑलराइट, सो आज हम सर्वो मोटर कंट्रोल करेंगे विथ ब्लिंक आईओटी। हम एक स्लाइडर यूज़ करेंगे सर्वो कंट्रोल करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेमो देख लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा। सो ब्लिंक आईओटी ऐप पे मैंने एक स्लाइडर ले रखा है। स्लाइडर का मैक्स वैल्यू रखा है 2000 एंड मिनिमम वैल्यू रखा है 1000 और मिड वैल्यू जो है वो डिफॉल्ट रहेगा, वो रखा है 1500। इससे हम सर्वो स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो जब स्लाइडर मिड पॉइंट पे रहेगा तब सर्वो कोई मूवमेंट नहीं करेगा एंड स्लाइडर लेफ्ट शिफ्ट करने पे सर्वो राइट मूवमेंट करेगा, राइट रोटेट करना स्टार्ट कर देगा एंड स्लाइडर राइट शिफ्ट करने पे सर्वो लेफ्ट रोटेट करना स्टार्ट कर देगा एंड स्लाइडर मिड पॉइंट 1500 के पास जितना रखा जाएगा सर्वो मूवमेंट उतना स्लो रहेगा एंड स्लाइडर मिड पॉइंट से जितना दूर रखा जाएगा सर्वो उतना फास्ट मूव करेगा, रोटेट करेगा। सो इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी देख लेते हैं सर्किट डायग्राम, उसके बाद हम कोडिंग पार्ट देखेंगे। सो मेरे पास है ये टावर प्रो MG90S, ये 360 रोटेट करता है। इससे पहले इस सर्वो मोटर के साथ एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने देखा था स्विच बोर्ड कंट्रोल करने का, वो वीडियो कार्ड पे आ रहा होगा, उसको भी आप बाद में चेकआउट कर सकते हो। इसमें 3 वायर्स है, ऑरेंज, रेड एंड ब्राउन। ऑरेंज वायर को NodeMCU D4 के साथ कनेक्ट कर रखा है। सर्वो मोटर इससे PWM सिग्नल रिसीव करता है। रेड वायर NodeMCU 3V के साथ कनेक्ट कर रखा है, ये VCC है। ब्राउन वायर को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर रखा है। सो मैंने कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे D4, VCC एंड ग्राउंड एक साथ है। सो इजीली इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है। सो अभी चलते हैं आर्डिनो IDE पे, हम एग्जांपल कोड यूज़ करेंगे। सो फाइल देन एग्जांपल ब्लिंक एजेंट एंड एजेंट ESP8266। सो इस कोड पे हमें ब्लिंक टेम्पलेट ID एंड टेम्पलेट नेम पेस्ट करना होगा। उसके लिए हमें ब्लिंक मोबाइल डैशबोर्ड को सेटअप कर लेना होगा। सो ब्लिंक मोबाइल ऐप सेटअप कर लेते हैं एंड उसके बाद इस कोड पे वापस आते हैं। सो ब्लिंक मोबाइल डैशबोर्ड सेटअप करने के लिए आपको ब्लिंक IoT ऐप ओपन करना है, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एक टेम्पलेट नेम सेट करना है, टेम्पलेट नेम में रख रहा हूँ सर्वो स्लाइडर। सो टेम्पलेट नेम सेट करने के बाद सिंपली कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अभी इस टेम्पलेट पे हमें स्लाइडर ऐड करना होगा, क्योंकि हम स्लाइडर के थ्रू सर्वो मोटर को कंट्रोल करेंगे। प्लस आइकन पे टैप करके आप स्लाइडर सेलेक्ट कर सकते हो। स्लाइडर लेने के बाद अभी स्लाइडर को डेटा स्ट्रीम के साथ कॉन्फ़िगर करना है। सो पहले हमें एक डेटा स्ट्रीम क्रिएट कर लेना होगा। सेटिंग्स पे जाना है, देन डेटा स्ट्रीम्स पे जाना है, क्रिएट न्यू। स्लाइडर पे हम मैक्स वैल्यू रखेंगे 2000। सो इस डेटा स्ट्रीम पे हमें मिन मैक्स वैल्यू सेट करना होगा, मिनिमम वैल्यू रखेंगे 1000 एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1500। उसके बाद इस डेटा स्ट्रीम को डन करना है एंड अभी इस डेटा स्ट्रीम को हम स्लाइडर के साथ कॉन्फ़िगर करेंगे। सो स्लाइडर पे टैप करना है, चूज डेटा स्ट्रीम एंड जो डेटा स्ट्रीम हमने अभी अभी क्रिएट किया था उसको हमें सेलेक्ट कर लेना होगा एंड सेंड ऑन रिलीज को ऑफ रखना है। उसके बाद बैक चले आना है। सो ब्लिंक मोबाइल डैशबोर्ड सेटअप हो चुका है, अभी हमें ब्लिंक क्रेडेंशियल चाहिए कोड पे पेस्ट करने के लिए। टेम्पलेट सेटिंग्स पे जाना है एंड यहाँ से कोड पे जाना है, यानी यहाँ से आप ब्लिंक क्रेडेंशियल्स कॉपी कर सकते हो, टेम्पलेट ID एंड टेम्पलेट नेम कॉपी कर सकते हो और अपने कोड पे पेस्ट कर सकते हो। ब्लिंक क्रेडेंशियल्स कॉपी करने के बाद कोड पे पेस्ट कर देना है, देन लाइब्रेरी इंक्लूड करना है servo.h, देन सर्वो लाइब्रेरी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है। सो मैंने सर्वो नाम से एक सर्वो लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है एंड इनसाइड वॉइस सेटअप सर्वो पिन डिफाइन करना है। सो उसके लिए servo.attach एंड पैरामीटर पे हमें पिन पास करना है। सो मैं यूज़ कर रहा हूँ D4 पिन, सो servo.attach D4 एंड एट लास्ट हमें वर्चुअल पिन रीड करके सर्वो कंट्रोल करने के लिए एक फंक्शन क्रिएट कर लेना है। सो ब्लिंक अंडरस्कोर राइट पैरामीटर दे रखा है V0। सो ये जो V0 पैरामीटर है ये डेटा स्ट्रीम है। एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं इंट वैल्यू, सो इंट वैल्यू इक्वल टू param.asint। सो जो भी डेटा हमें वर्चुअल पिन V0 से रिसीव होगा उसको इंटीजर पे कन्वर्ट करके वैल्यू वेरिएबल पे स्टोर करा दिया है, यानी कि इफ कंडीशन ले रखा है इफ वैल्यू servo.write microsecond एंड राइट microsecond को पैरामीटर दे रखा है वैल्यू। सो जब हम स्लाइडर को लेफ्ट राइट मूव करेंगे तब वैल्यू वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता रहेगा एंड उसके अकॉर्डिंग सर्वो रोटेट करता रहेगा। सो अभी हम देख लेते हैं इस राइट microsecond फंक्शन को। सो ये फंक्शन सर्वो पे microsecond वैल्यूज को राइट करता है, जिससे आप सर्वो लेफ्ट या फिर राइट दोनों डायरेक्शन पे मूव करा सकते हो। एंड पैरामीटर 1000 वैल्यू इज फुली काउंटर क्लॉकवाइज, 2000 इज फुली क्लॉकवाइज एंड 1500 इज मिडल। सो मैंने इसलिए 1500 मिडल पॉइंट रखा है, क्योंकि जब हम 1500 पे स्लाइडर को रखेंगे तब सर्वो कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा एंड जैसे ही हम 2000 तक स्लाइडर को पुश करेंगे तो धीरे धीरे सर्वो फास्ट होता जाएगा एंड फुली क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट करेगा। एंड उसका सेम अपोजिट 1500 से जब हम स्लाइडर को 1000 तक शिफ्ट करेंगे
तो स्लाइडर जितना 1000 के क्लोज जाएगा सर्वो उतना फास्ट फुली काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करता रहेगा। सो अभी इस कोड को कर देते हैं अपलोड एंड उसके बाद ब्लिंक आईओटी ऐप के साथ डिवाइस कनेक्ट करेंगे, देन हम प्रोजेक्ट को टेस्ट करके देखेंगे। सो कोड अपलोड करने के बाद अभी ब्लिंक आईओटी ऐप पे डिवाइस ऐड करते हैं। सो ब्लिंक आईओटी होम पेज पे आना है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऐड डिवाइस एंड डेवलपर मोड। सो डेवलपर मोड पे हमारा वो टेम्पलेट है जो हम लोगों ने अभी अभी क्रिएट किया था, यानी यहाँ से अभी ऐड डिवाइस करना होगा। फाइंड नियरबाय डिवाइस, स्टार्ट, कंटिन्यू, देन यहाँ पे आपको आपका डिवाइस मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड कनेक्ट कर लेना है। एंड अभी हमें इस डिवाइस के साथ वाईफाई नेटवर्क भी कॉन्फ़िगर करना होगा। सो जो भी आपका नियरबाई वाईफाई नेटवर्क्स रहेगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको आपका वाईफाई SSID सेलेक्ट करना है एंड पासवर्ड एंटर करके कंटिन्यू कर देना है। सो वाईफाई नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर देने के बाद नोडेम से उस SSID एंड पासवर्ड के साथ वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्ट हो जाएगा। देन सिंपली फिनिश करना है, देन आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा, वहाँ से आप सर्वो मोटर को कंट्रोल कर सकते हो या फिर अगर कोई भी अदर अप्लाइंसेस कनेक्टेड है तो उसको कंट्रोल कर सकते हो। इस स्लाइडर पे अभी वैल्यूज़ नहीं दिख रहा है, सो वैल्यूज़ को भी शो कराते हैं। स्लाइडर पे टैप करना है, देन डिज़ाइन पे जाना है, वैल्यू विजिबल को ऑन कर देना है। अभी आप देख सकते हो स्लाइडर वैल्यूज़ हमें नज़र आ रहा है। सो मैक्स वैल्यू है 2000 एंड मिनिमम वैल्यू है 1000। सो कुछ इस तरीके से ये स्लाइडर वॉक कर रहा है। स्लाइडर मूव करके मैं सर्वो कंट्रोल कर पा रहा हूँ। स्लाइडर मिड पॉइंट या 1500 के आसपास रखने पे सर्वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, एंड मिड पॉइंट से स्लाइडर लेफ्ट स्लाइड करने पे सर्वो राइट रोटेट कर रहा है, एंड राइट स्लाइड करने पे सर्वो लेफ्ट रोटेट कर रहा है, एंड स्लाइडर मिन मैक्स वैल्यूज के जितना पास जा रहा है सर्वो उतना फास्ट रोटेट कर रहा है। सो इस स्लाइडर को यूज करके आप सर्वो मोटर को काउंटर क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन पे रोटेट करा सकते हो एंड सर्वो स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को कर दो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।